हाउ डू यू सी एजिंग, बिकॉज इट्स जस्ट अ स्टार्ट फॉर यू गाइस. भाई सबसे पहले तो ये है कि जितने भी हमारे जो सो कॉल्ड सीनियर सिटीजन हैं, सबसे पहले तो रंग बिरंगे कपड़े पहनिए, क्योंकि वो आप वो जो व्हाइट और ग्रे और ब्राउन उसको उठा के फेंक दो आप जाके। सबसे पहले आप रंग बिरंगे कपड़े पहनिए, क्योंकि जब आप रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं तो आपका जो मिजाज है वो भी रंगीन रहता है, मतलब उस किस्म का रंगीन नहीं, मतलब आप खुश रहते हैं। और दूसरी दूसरी चीज ये है कि जब आप खुश रहते हैं और अपने आप को बिजी रखते हैं तो फिर मजा ही कुछ और होता है। और अगर मेरी मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने आप को कहाँ देखूंगा आज से, जब जितनी भी मेरी उम्र होगी, चाहे वो 10 साल है या 20 साल है या 30 साल है, तो मैं तो जिंदगी में आप मुझे कहीं किसी ना किसी कंट्री में एक कैरावैन में घूमते हुए नजर आऊंगा मैं आपको, कभी किसी कंट्री में, कभी किसी कंट्री में। ये मेरा मेरा सो कॉल्ड ड्रीम है कि आई वॉन्टेड टू बाय अ कैरावैन विच आई एम बाइंग वेरी सून एंड एंड टू ट्रेवल विद माई वाइफ, क्योंकि ये कोरोना है, ये तो रहेगा ही रहेगा, अब इसका बहाना मत बनाइए हम सब, क्यों कोरोना तो एक बहाना है, दरअसल में एक दिन तो सबको ही जाना है, तो हमें सेफ्टी से चलना चाहिए, जो हमारे लिए गाइडेड लाइंस हैं कोरोना के को वो करने के लिए कि हाथ और ये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल। और आपकी गाड़ी सबसे ज्यादा सेफ है, सो अपनी गाड़ी उठाइए और चल पड़िए और थोड़ा घूमिए। और जो सीनियर आपने बोला था सीनियर सिटीजन के लिए कि वो घर में बोर होते हैं तो क्या, एंड आई यू नो एडवाइज ऑल दोज पीपल हु कैन ड्राइव, ट्रस्ट मी, अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपने बच्चों को बोलिए कि आपको घुमा के लाएं, अपनी गाड़ी आपकी सेफ है, उसमें आपको कोरोना से कुछ नहीं होता है। आप एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाइए, खाना घर में पैक करा लीजिए, अपने साथ रखिए और थोड़ा बाहर निकलिए, तो जैसे आप बाहर निकलेंगे और थोड़ा देखेंगे लोगों को तो आपका जो बोर्डम है वो दूर हो जाएगा। तो घर से बाहर निकलना जरूरी है, कोरोना या वो है एक इशू है, उसके लिए सेफ्टी मेजर्स भी करने वो भी जरूरी है, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलेंगे दुनिया को देखेंगे। और यू नो अभी मेरे को कल किसी ने बताया कि आज जैसे कल्चर चल रहा है वर्क फॉर होम का, ये तो मजबूरी हो गई, अब कल्चर क्या है, तो मजबूरी हो गई कि जितने भी एमएनसीज के जो टॉप बॉसेज हैं और छोटे एम्प्लॉयज सारे घर से काम कर रहे हैं। तो अब बड़ी एमएनसीज जितनी हैं उन्होंने क्या किया है कि उनके एम्प्लॉयज भी घर में काम करके बोर हो गए हैं, सो उन्होंने अब नया तरीका निकाला है कि दे हैव रेंटेड द वो जो आपकी रिजॉर्ट्स हैं, अच्छी बड़ी रिजॉर्ट्स वो उन्होंने रेंट किए हैं, एंड दे आर सेंडिंग देयर एम्प्लॉयज देयर, कि आप वहां जाइए 15-20 दिन, महीना 2 महीना वहीं रहिए, एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट ऑल द एक्सपेंसेस, और वहां से काम करिए, क्योंकि घर में भी आप कितना काम कर लोगे। सो मकसद क्या है सारी बातों का, कि जब आपको अल्टीमेटली हमारा हमारी लाइफ है, ये तो कोरोना ने हमारे ऑल्टो लगा दिया, स्टॉप लगा दिया, बंद कर दिया सब कुछ, घर से निकलना जरूरी है, घर से बाहर निकलिए एंड यू विल रियली फील बेटर। और अगर आप खुद गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हैं तो आप अपने बच्चों को या अपने भाई को या जो भी आप जिनसे आप क्लोज हैं उनको बोलिए कम से कम वीकेंड पे तो ले जाओ बाहर। और ये बच्चे जो सुन रहे हैं सारे, उन सबके लिए है भैया, अपने पेरेंट्स को लेके जाओ बाहर वीकेंड पे, उनको घुमा के लाओ, कहीं रात को रुक सकते बात नहीं, सुबह जाओ शाम को वापस आ जाओ, गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, टेक योर फूड विद यू, डोंट स्टॉप एनीवेयर इन बिटवीन एंड एंजॉय। ट्रू ट्रू, जितने चाहो थे रहा, सो देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज, और जैसे भी करके जैसे भी सिचुएशन है, बहाने ढूंढ लेते हैं, हमें बहाने नहीं चाहिए, हां बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है, लाइफ विल कैरी ऑन, कोरोना तो अगले कई साल तक चलता रहेगा अभी, so don't worry about it. True. So जैसे भी situation है, कोई ना कोई हल निकल आएगा. I guess the intention of doing something is required. Like you can do a lot. And if you have the intention, I guess from the session you have got key ideas जिसके ऊपर काम किया जा सकता है. अपने future के बारे में सोच के अपने present को खराब मत कीजिए. बिल्कुल. Future का कुछ नहीं मालूम है कल क्या होगा. जो आज है, please, please आज में जीना सीखिए. तो आज है जो आज आपके साथ है, जो आज हमने बात कर ली और ये डिस्कशन कर लिया, कल होना हो, अगला सांस होना हो, तो इसी को एंजॉय करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह प्रोग्राम्स में कोई बुलाए तो जाते रहिए और जो आपके पास है वो शेयर करते रहिए, और सुख होगा तो सुखी बांटेंगे, खुशी होगी तो खुशी बांटेंगे, बस खुश रहिए, मेरा तो यही कहना। मैं लास्ट में चलते चलते एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी जो सीनियर सिटीजन है, अगर घर में बोर हो रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, प्लीज कॉल मी, मेरे साथ चलें, किसी एक हफ्ते, हर हफ्ते एक प्लान बनाते हैं, इफ यू गाइस हैव अ कार ज्वाइन मी एंड आई विल टेक यू आउट।